हैप्पी बर्थडे विराट कोहली। जब हाथ में लगे थे 10 टांके, फिर भी कोहली ने आईपीएल में रच दिया था इतिहास। आईपीएल का 13वां सीजन अपने रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। गुरुवार को पहला क्वालिफायर मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। इस सीजन में भारतीय कप्तान विराट कोहली की टीम आरसीबी प्लेऑफ में जगह बनाने में कामयाब हुई है। इस सीजन में विराट कोहली का प्रदर्शन भी अच्छा रहा है। पिछले कुछ सालों में विराट ने बेहतरीन प्रदर्शन कर सबको अपना फैन बना लिया है। बता दें कि विराट कोहली आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। इतना ही नहीं, आईपीएल में विराट कोहली ने कई रिकॉर्ड बनाए हैं। विराट कोहली आज अपना 32वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर हम आपको उस मैच के बारे में बताने वाले हैं जब विराट के हाथ में 10 टांके लगे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन कर एक रिकॉर्ड बनाया था। बता दें कि 2016 के आईपीएल में विराट कोहली ने 16 मैचों में 973 रन बनाए थे और उन्होंने इतिहास रचा था। 2016 के आईपीएल में विराट कोहली कोलकाता नाइट राइडर्स के विरुद्ध एक मैच में बल्लेबाजी करते हुए चोटिल हो गए थे। उनके बाएं हाथ की हथेली पर 10 टांके आए थे। इसके बाद अगले मैच में उन्होंने किंग्स 11 पंजाब के विरुद्ध आरसीबी की कप्तानी की। इस मैच में विराट कोहली को बल्लेबाजी भी करनी पड़ी थी। ये मैच 15 से 15 ओवर का हुआ था। इस मैच में विराट कोहली ने शतक लगाया था। 2016 के आईपीएल में विराट का ये चौथा शतक था। इसी के साथ विराट कोहली आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा 4 शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए थे। विराट ने इस पारी में 50 गेंदों में 113 रन बनाए थे। उन्होंने 12 चौके और 8 छक्के भी लगाए थे। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज।